Assalamu alaikum. Today is yet another Sunday ride. The date is 11th July 2021. We are going towards Murree. Let's hope that it doesn't rain. The weather of Murree is very unexpected. Today we are going to Khajot, which is Murree Expressway towards Murree. एक जगह का नाम है और वहाँ पे एक है TDCP रेस्टोरेंट. इट्स अ रियली गुड रेस्टोरेंट और उनके पास रूम्स भी हैं फॉर नाइट स्टेज. देयर रूम्स आर रियली वेल फर्निश्ड. मौसम जो है वो थोड़ा सा डराने वाला हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बारिश हो जाएगी. ऐसे नॉर्मली इस टाइम तक अच्छी खासी धूप निकल आती है, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर हो जाती है, लेकिन आज जो है मौसम बहुत क्लाउडी है. आई होप के ये बादल डिस्पर्स हो जाएं. वैसे तो फॉरकास्ट भी है बारिश का. मेरे हेलमेट के वाइजर पे जो है वो काफ़ी सारे कीड़ों की मौतें हो रही हैं. मौसम बारिश वाला हुआ है तो कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा हो गए. ये मौसम देखें यार, कितना फिट हो रहा है. ये है इस्लामाबाद टूल प्लाजा टूवर्ड्स मरी N75. हम क्योंकि बाइकर हैं, हमारे लिए कोई टैक्स नहीं. नॉर्मली इस जगह पे अच्छी खासी बाइक्स होती हैं. हम रुकने की बजाय चलते हैं ताकि अगर इनकेस बारिश होनी भी हो तो हम पहले पहुंच जाएं TDCP. हमारे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ बहरिया गोल्फ सिटी. बहुत खूबसूरत जगह है. मांगा, दिस वॉज द फर्स्ट माइल स्टोन, जो कि आपने जहन में रखना है अगर आपने TDCP आना है तो. यहाँ पे जो है हमारे शार्प टर्न्स शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ द पॉइंट. हमने इस ट्रैक को इतनी दफ़ा कवर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे मोड़ जो हैं वो अब याद हो चुके हैं. व्हेन द वेदर इज़ सनी, तो इस जगह पे आके सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है कि आपके राइट साइड पे सूरज होता है और आपके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सनलाइट आप पे नहीं पड़ रही. यानी इस ये जो राइट साइड पे माउंटेन देख रहे हैं इसके उस तरफ सूरज हाइड हो जाता है, तो आपको इस साइड पे कोई भी सनलाइट नज़र नहीं आती, विच फील्स रियली गुड. मतलब वो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आती है. ऑल दो इट्स नॉट क्लाउडी, लेकिन आपको क्लाउडी वेदर वाली फील आती है उसमें, विच इज़ अमेजिंग. आई हैव फेल्ट दैट सो मेनी टाइम्स. ये रोड यहाँ पे सारी गीली है यार, मुझे लग रहा है बारिश हो चुकी है. लेट मी ओपन माई वाइजर. ओए होए 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 यार, व्हाट अ फीलिंग. मैंने जैसे ही वाइजर खोला है तो मुझे ठंडी हवा, जो क्लाउडी वेदर का एक एहसास है, और ये जो इर्द गिर्द जो पौधे हैं इनकी खुशबू, इन तीन चीजों ने इकट्ठा हिट किया मुझे. इट्स अमेजिंग मैन. चेक करें, जस्ट चेक द व्यू, कितना खूबसूरत है यार. ये सामने आपको नजर आ रहे होंगे बादल और जो घरों में कुकिंग हो रही है उसका धुआं, वो मिक्स होकर कुछ बड़ी अनोखी सी फीलिंग देता है. और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन पौधे भी हैं और रेडिश टाइप के पौधे भी हैं. माशाल्लाह यार, माशाल्लाह. मेरा कैमरा नीचे की तरफ टिल्ट हो गया था. काफी सारी जगह मैंने दिखाई है लेकिन वो कैमरा टिल्ट था तो इसलिए वो नजर नहीं आई. बाय द वे, वी आर इन स्वान वैली एक्सप्रेस वे पे. जब आपको नजर आएगी स्वान वैली, देयर इज अ कंक्रीट वॉल ऑन द लेफ्ट साइड जो आपको नजर आ रही है अभी यहाँ पे. ठीक है, ये जो कंक्रीट वॉल है थोड़ी सी आगे जाके, ये जो आपको ऊपर अगर पहाड़ी नजर आ रही हो तो इसी के ऊपर TDCP बना हुआ है जिस रेस्टोरेंट पे हम अभी जा रहे हैं. आप व्यू देख सकते हैं यार, द व्यू इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग. चेक करें, ये हम TDCP पहुंचने वाले हैं. ये जो आपको ऊपर एरिया नजर आ रहा है दिस इज बाय TDCP, और आपको इस तरफ से TDCP का बोर्ड भी नजर आ रहा होगा और सामने आपको ये रूम भी नजर आ रहा होगा जो कि कबीर अफरीदी भाई ने अपने वीडियोस में दिखाया हुआ है. यहाँ यहीं पे टर्न आ जाता है और यहाँ पे आप लेफ्ट लेके ऊपर चले जाएं.
अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुंच गए हैं। ये हमारे निंजा की हालत है, आप देख सकते हैं, बेचारा जो है वो पानी में शराबूर है। मैं आपको ये बाकी बाइक्स भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो नाश्ता करके हम हो गए हैं फ्री। यहाँ पे अभी हमें कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे जिन्होंने एक नया ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ पे एक गार्ड भाई है, इन्होंने हमारा मेरा हेलमेट साफ़ किया है और बाइक साफ़ किया है, तो अल्लाह इनको अजर दे, इनकी हेल्प कर दिया करें यार। ये बेचारे थोड़ी सी तनख्वाह के लिए सारा दिन इधर खड़े रहते हैं, अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे। अगर आप आएँ यहाँ पर तो जितनी आपकी इस्तेआत हो उतनी मदद कर दिया करें। मुझे मिला है शाज़ेब और शहरी था उसके साथ, जो किसी टाइम पे हमारे ग्रुप में भी थे लेकिन अब वो एक और ग्रुप में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आगे जा रहे हैं मैकडोनल्ड तक, तो मैंने कहा ठीक है, आई विल जॉइन यू, लेट्स सी कि हम उनको कैच कर पाते हैं कि नहीं। रोड हो गई है बहुत मज़े की, अभी भी थोड़ी थोड़ी गीली है लेकिन मुझे फील हो रही है कि ट्रैक्शन जो है वो बहुत मज़े की हो गई है, क्योंकि रोड जब साफ़ हो जाए तो ट्रैक्शन बहुत मज़े की हो जाती है। ये ऊपर क्लाउड्स देखें आप, ये सामने देखें ऊपर, माशाल्लाह यार व्हाट अ व्यू, सुभान अल्लाह। ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सप्रेस हाईवे पे मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आप जब थोड़ा सा राइट साइड पे आए पूरी वैली नज़र आती है यहाँ पे, चेक करें। माशाल्लाह चेक करें यार, जस्ट चेक द व्यूज, ऐसे लग रहा है जैसे किसी जादुई मूवी में आ गए आप। ये हम आ गए हैं लोअर टोपा, आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होगा, और हमारे बाइकर्स मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ पे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं उनका, वो रहे।